नोटबंदी के फैसले के बाद सबसे ज्यादा असर नैनीताल दुग्ध उत्पादन संघ लालकुआं से जुड़े दुग्ध उत्पादकों पर पड़ा है। हजारों दुग्ध उत्पादकों का महीने से भुगतान रुक गया है, जिसे दुग्ध उत्पादकों में रोष है। लालकुआं दुग्ध संघ के अंतर्गत आने वाली 516 दुग्ध समितियों के 26,000 उत्पादकों को उनके दूध का भुगतान नोटबंदी के बाद से अब तक नहीं मिला है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र अधिकतर दुग्ध व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जिससे अब नोटबंदी का सीधा असर ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादकों पर पड़ रहा है, जिनको आर्थिक रूप से अब भारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। पशु पालने वाले हजारों दुग्ध उत्पादक ऐसे हैं जो दूध के भुगतान मिलने के बाद ही अपने परिवार के लिए दो वक्त की रोटी की व्यवस्था करते हैं, साथ ही पशुओं के लिए पशु आहार व चारा भी खरीदते हैं। ऐसे में भुगतान न होने से दुधारू पशुओं के लिए चारे की दिक्कत भी सामने आने लगी है। हमको 3 तारीख 4 तारीख को हम पेमेंट मारते थे, मगर आज 14 तारीख चल चुका है। 14 तारीख तक हम लोगों का अभी पेमेंट नहीं हो पाया है, जो इसमें कि उत्पादकों को आम उत्पादकों जो है परेशानी में फंसे पड़े हुए हैं, अपना अपना खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। जो एक सहारा, एकमात्र सहारा जो है दुग्ध उत्पादक से है आदमी का, जो अभी परेशान है वैसे ही सभी। मैं 3-4 तारीख को करते मगर वो अभी तक नहीं हो पाया हमारा। अधिकारी बोल रहे क्या कहते हैं, आपका जो समिति का खाता है जिस बैंक में, उस बैंक में सभी का खाता खुलवाइए और उसमें विड्रॉल करवाइए, अगर कह रहे हैं यही देते हैं 3-4 लीटर करीब देते हैं। ऐसे दिखे बोल रहे कि जो भी पैसा मिलेगा, जो हमें डेयरी में मिलता था, वो अब अकाउंट में जाएगा और अकाउंट से मिलेगा, जिससे हमें ये प्रॉब्लम हो रही है कि हमें बैंक में जाना पड़ेगा, उससे कारण हमें लाइन लगानी पड़ेगी, इससे जो है बहुत दिक्कतें हो रही है हमें। वही नोटबंदी से परेशान लालकुआं दुग्ध संघ के अंतर्गत आने वाले दुग्ध उत्पादकों का कहना है कि उनके दुग्ध मूल्य का भुगतान नोट बंद हो जाने के बाद से नहीं मिला है। ऐसे में उनके ऊपर रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। अगर उत्पादकों का भुगतान समय पर नहीं होता है तो पशुओं के लिए पशु आहार व चारा खरीदना भी भारी पड़ जाएगा। 3 से 4-5 तारीख के बीच में जो है दुग्ध संघ में पेमेंट हो जाता था, लेकिन इस समय जो है कि पेमेंट नहीं हो पाया है। नोटबंदी एक अच्छा विषय है, उसका हम सम्मान भी करते हैं और स्वागत भी करते हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय मंत्री हैं या सरकार हमारी, जो लोकल की सरकार है, उत्तराखंड की सरकार है, अगर कोई ठोस योजना बनाती उसके तहत, जैसे डेयरियों में कहा जा रहा है कि खाते खुलवाए जाएंगे, तो खाते खुलवाने के लिए एक सरलीकरण करते तो आम उत्पादक भी जो है उसका लाभ उठा पाता और जो है खाते से जो है पेमेंट उसको हो पाती। 516 में से करीब 80% समितियों में तो हमारा पेमेंट हो गया है। हमने काश्तकारों के भी खाते बैंक में खुलवा रहे हैं, तो चेक से भी पेमेंट करवा रहे हैं उनके अकाउंट में, लेकिन 20% ऐसी जगह हैं जहां पे हमने पेमेंट बैंकों को भेज दिया, कहीं पे बैंकों से एडवाइस नहीं आ रही, कहीं पे बैंक अपनी व्यस्तता की वजह से उनके खातों में ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके की समस्याएँ आ रही हैं और कहीं कहीं पे ये भी हो रहा है कि समिति वाले कैश पेमेंट करना चाहते हैं 25-30 हज़ार रुपये, तो बैंक में दिन भर लाइन लगा करके 2-4 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं भी मिल रहे हैं। इस तरीके की दिक्कत आ रही है छोटे लोगों के लिए, परंतु धीरे धीरे स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी ऐसी उम्मीद है। देवभूमि न्यूज़ के लिए हल्द्वानी से योगेश दुमका।